क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एट 440 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज परफॉर्म इन अ सील्ड 1 DM³ स्टील वेसल H2+I2 2HI। इफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ I2 एंड 7 मोल ऑफ HI। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट KC इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखो ये हो रहा है, H2 और I2 से मिलके HI बन रहा है। अब जरा इक्वेशन भी देखो, HI के 2 मोल था, तो KC निकालना तो बड़ा आसान है। यहाँ HI की कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पे कितनी दी हुई है, 7, वो रख देंगे। और यहाँ इनकी जो इक्विलिब्रियम पे 1 वो रख देंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 49। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात जो इसमें अगर आप थोड़ी सी अकलमंदी करें वो ये कि देखो शुरू में 0 मोल थे, हमेशा प्रोडक्ट के 0 ही होते हैं, ठीक है। 7 मोल बने, तो इक्वेशन ये बता रही है कि इसका एक और इसका एक मिलके इसके 2 मोल बना रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो अगर हमें 7 मोल बनाने हैं तो 7 का आधा कितना होता है, 3.5। दोनों के 3.5 मोल चाहिए होंगे, यानी दोनों के कितने मोल्स कम हुए होंगे, 3.5। अब 1 बचा है तो शुरू में कितने होंगे, 1 में क्या कर दें, 3.5 प्लस कर दें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4.5। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा 4.5। भाई 4.5 था ना, 3.5 इसने खर्च किए, 3.5 इसने, 7 बन गए और रहे कितने गए, 1 रह गए।